नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2019 के बोनस मार्क्स को लेकर कि कितने आपको बोनस मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। वैसे तो इससे रिलेटेड टू वीडियोस जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है। इसमें स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स के हिसाब से पता लगा है कि कितने बोनस मार्क्स जो है आपको मिल सकते हैं। और स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन ये भी आ रहा था कि बोनस अंक मिलेंगे वो क्या सभी को मिलेंगे या फिर जिन स्टूडेंट्स ने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है उनको मिलेंगे, और किसको कितने मिलेंगे बोनस अंक, इसके बारे में पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी आगे इस वीडियो में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के मार्क्स के बारे में भी आपको पूरी जानकारी जो है इसमें दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अपने देख लेते हैं बोनस मार्क्स मिलेंगे कितने। तो जो बोर्ड द्वारा बोनस मार्क्स जो अभी आंसर की जारी की गई थी, उसमें बोर्ड द्वारा जो बोनस मार्क्स के लिए क्वेश्चंस जो सिलेक्ट किया गया है वो क्वेश्चन एक ही है, वो है 159 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जो इसके आंसर है वो थर्ड और फोर्थ दोनों ही निकल रहे हैं, लेकिन बल्कि आंसर जो होना चाहिए वो इन दोनों में से एक होना चाहिए। तो 99.99% जो है वो इसमें आपको बोनस मार्क्स मिलने के चांसेस जो है वो फुल है, इसमें आपको बोनस मार्क्स मिल सकता है। अब ये हो गई बोर्ड की बात। उसके बाद जो स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्शंस की बात रही कि जो स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन उठाए हैं, तो उनमें चार क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है। चार क्वेश्चंस पर स्टूडेंट्स द्वारा ऑब्जेक्शन जो है वो किया गया है, यानी कि बोर्ड को चैलेंज किया गया है चार क्वेश्चंस पर। अगर ये चार क्वेश्चन सही स्टूडेंट्स के सही होते हैं तो इनके चार क्वेश्चंस के 16 नंबर आपको बोनस मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन इसके बोनस मार्क्स के इनके जो बोनस अंक है चार वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें आपको कोई दोराय नहीं है, ये बोनस मार्क्स चार मिलेंगे। अब बात आती है कि बोनस मार्क्स जो मिलेंगे वो किन किन स्टूडेंट्स को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स की बात कीजिए, जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है उन्हीं स्टूडेंट्स को ये बोनस मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया है उन स्टूडेंट्स को इसके बोनस मार्क्स जो है वो नहीं दिए जाएंगे। एज दैट क्लियर? तो ये आपको सब क्लियर हो गया होगा कि जो जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया उनको इसके बोनस मार्क्स जो कि चार बन रहे हैं वो मिल जाएंगे। और आगे बात की जाए तो चार क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन चैलेंज किया गया है बोर्ड को स्टूडेंट्स द्वारा, इन चार क्वेश्चंस पर आगे फाइनल आंसर की जारी की जाती है या फिर रिजल्ट जारी किया जाता है, तब इसके बारे में पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो बोनस मार्क्स को लेकर। आप सबको क्लियर हो गया होगा कि बोनस मार्क्स किसको मिलेंगे, कितने मिलेंगे और किन क्वेश्चंस पर मिलेंगे। आगे इन चार क्वेश्चंस का क्या होता है, क्या इन पर बोनस मार्क्स दिया जाता है या फिर बोर्ड द्वारा पहले जो आंसर्स दिए गए हैं उनको ही कंटिन्यू रखा जाता है, इसके बारे में चर्चा हम आने वाली वीडियोस में ज़रूर करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पे। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अपने जो सजेशन है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।